बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से बरामद गाड़ी की जांच करने पर 2 RC मिली थी। जांच टीम द्वारा RC का वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि ये फर्जी है। इसी के आधार पर 10 मई को मधुबन में केस दर्ज किया गया था। केस में अंबाला के एक अदमपुर साहा के नितिन शर्मा को नामजद किया गया था। जल्द ही आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP ने बताया कि आरोपी नितिन शर्मा के खिलाफ यमुनानगर में भी मामला चल रहा है, दूसरा उस पर जम्मू में भी केस चला हुआ है। इस मामले में आरोपी जेल में भी रहकर आया है। उन्होंने कहा कि करनाल पुलिस भी आरोपियों को रिमांड पर करनाल लेकर आएगी ताकि मामले के संबंध में और जानकारियां जुटाई जा सके। अपडेट आया है आतंकियों से जुड़े हुए मामले के अंदर। देखिए, थाना मधुबन में दर्ज FIR नंबर 141 डेटेड 5 मई 2022 की जब जांच टीम के द्वारा की जा रही थी, तो जब गाड़ी की तलाशी के दौरान जो 2 RCs बरामद हुई थी उनकी भी जांच साथ में की जा रही थी, उन RCs का जो डिटेल्स थी उनका वेरिफिकेशन करने पर यह पाया गया कि एक्चुअल में प्राइमा फेसिया फर्जी है। इसी के आधार पर मधुबन पुलिस स्टेशन में 10 मई को एक दूसरी FIR नंबर 146 धारा 420 467 471 120 BIPC के तहत दर्ज की गई है, जिसमें एक गाँव मेहमदपुर साहा अम्बाला वासी नितिन शर्मा को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को उसके जो बारे में जहां पर भी वो छिपा हुआ है उसके बारे में महत्वपूर्ण लीड हासिल हो रखी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं? जी, ये सामने आया है कि यमुनानगर में एक मामला दर्ज है जिसमें वो वांछित चल रहा है, और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें वो जेल में भी रह के आया है। तो सर कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, हमारी जो CIA 2 की टीम है वो इसमें लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड हमें हाथ लग ऑलरेडी हमारे पास में है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज शाम तक हम इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिलहाल सर वो फरार है नितिन शर्मा? जी, जो आरोपी है वो FIR दर्ज होने के बाद में फरार चल रहा था, लेकिन हमारी टीम पीछे उनके लगी हुई है और महत्वपूर्ण लीड्स भी जैसे कि मैंने बताया हमारे हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक इस मामले में हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई संदीप नाम के व्यक्ति का रोल सामने आ रहा है कि उसको उसने RC वगैरह दी थी पंजाब के अंदर? देखिए, अभी जैसे क्योंकि इस मामले में काफ़ी सारे डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन होना बकाया है। नितिन शर्मा जैसे ही गिरफ्तार हो गया उसके बाद में उसने कहाँ से खरीदी, किसको बेची, और ये RCs एक्चुअल में कहाँ से बनी है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हाथ लगेगी। तो हवाला का सर जो लिंक आ रहा था उसमें कुछ पता चल के सामने आया है सर, कुछ देखिए इस बारे में जो उन्होंने जो हुलिया बताया था जिस बंदे का, वहाँ पर भी हमारी टीम वहाँ पर गई है, वहाँ की आसपास की CCTV फुटेज भी हमारी टीम लेकर के आई है। उस CCTV फुटेज का और जिस गाड़ी में वो आया था, व्हीकल का यूज़ उसने किया है, उस व्हीकल के बारे में हम CCTV फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सर राजवीर को लेकर? 2 और आरोपी अभी जो 3 आरोपी आकाशदीप, जसन और राजवीर, वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के वहाँ पर रिमांड पे चल रहे हैं। हमारी टीम उनके साथ संपर्क बढ़ाए हुए है। जैसे ही पुलिस रिमांड वहाँ पर खत्म होगा हम इधर से प्रोडक्शन वारंट के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे। सर रिमांड एक्सटेंड होने की संभावना है? जी, क्योंकि अभी हमारी जो कल टीम है उसके साथ में हम कल एक बार मीटिंग करेंगे ताकि किन आरोपियों का रिमांड आगे बढ़वाया जाना है, माननीय अदालत में एप्लीकेशन देनी है और किस ग्राउंड्स पे देनी है। क्योंकि अभी नांदेड़ जो हैदराबाद रोड जहां पर इन्होंने बताया है कि वहां पर पहले कंसाइनमेंट रख करके आए थे, उस जगह की भी निशानदेही करवाई जानी बकाया है। थैंक यू।